हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेके आ गया हूँ मैं एक और ख़तरनाक अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सब के सब, आज मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे बनाता हूँ। तो अभी अपकमिंग बेबलेट्स हैं ये सारे के सारे, और सब लेटेस्ट ही हैं लगभग, एक को छोड़ के वो भी सबका फेवरेट है, इसलिए बनाएंगे उसको अच्छे से। और इनका प्रिंट अब लगभग एक्चुअल के बराबर है, तो इस बार कोई छोटा मोटा प्रिंट नहीं लिया मैंने। और ये है हमारा आज का बेबलेट सेबर वेल्टियक। तो मैंने जो पॉप्सिकल्स होती हैं आइसक्रीम स्टिक्स, उसको मिला के और एम सील को मिला के ये बनाया है। काफ़ी हैवी बन चुका है, लेयर बन गई है हमारी। तो अभी लेयर को लगाना है, तो मैं इसको बर्स्ट वाला नहीं बना रहा क्योंकि मेरे को चाहिए ये बिल्कुल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेबलेट हो। तो इसको मैं बर्स्ट ना बना के एक नॉर्मल बेबलेट बना रहा हूँ, सब कुछ चिपका हुआ होगा इसका। तो ये इसकी डिस्क टाइप है, तो डीबी बेबलेट्स में डिस्क कुछ ऐसे टाइप में होती है। तो इसको मैं थोड़ा वाइड करके फिर ऐसे करके लगाऊंगा, और फिर ये है इसका ड्राइवर, इसके नीचे कोई टिक लगाएंगे या फिर एक बार देखेंगे ट्राई करके कि इसी से बन जाए बात, क्योंकि नीचे से फ्लैट है ये। तो ये सब वीडियो की प्लानिंग है, तो अभी मैं ये लगा लगू के सब कुछ फिर दिखाता हूँ आपको। ये अभी मेरे को थोड़ा सा चपटा भी करना है, वाइड करना है ताकि बेबलेट के बराबर आ पाए। तो मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। तो गाइस, सारे पार्ट मैंने लगा लिए हैं और सेबर वेल्टियक कुछ ऐसा दिखता है। एक मिनट फ्लैश लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो सेबर वेल्टियक कुछ ऐसा दिखता है, नीचे से मैंने रबड़ लगा दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। ये लेयर बनाई है मैंने, थोड़ी डिज़ाइनिंग कर दी है, और एम सील को चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही चिपक जाती है और इतनी अच्छे से चिपकती है कि उतरने का तो नाम ही नहीं होता। फिर फेविक्विक से भी अच्छे से। फिर ये रबड़ लगाया है मैंने, रिमोट से निकाल के रबड़ लगा दिया रिमोट के बटन का, और फिर इसको फेविक्विक से चिपका दिया। तो ये है पूरा का पूरा बेब्लेड, और काफ़ी ख़तरनाक बेब्लेड है ये। अभी इसका एक डेमो दिखाता हूँ मैं। तो स्टेडियम गया है और अभी करते हैं इसको टेस्ट स्पिन। तो टेस्ट स्पिन करके फिर इसकी फाइट भी करेंगे एक दो। तो कुछ ऐसे चलता है ये, काफ़ी अटैक टाइप भी हो जाता है, अभी स्पीड से नहीं चला था। तो अभी चला के दिखाता हूँ, आप देख सकते हो पूरा स्टेडियम को हिला रहा है। और इसके साथ देखते हैं किस किस बेबलेट को हरा पाते हैं ये सेबर वेल्टियक। तो सबसे पहले भूषण अशुरा की बारी है, देखते हैं इसको बर्स्ट कर पाएगा या हरा पाएगा। तो भूषण अशुरा को एक चक्कर में ही स्टेडियम के दूसरी कोने में फेंक दिया उसने, लेकिन उसके बाद स्टेमिना थोड़ा सा कम है इसमें, फिर भी जीत ही गया, कोई बात नहीं। तो देख सकते हो हमारा सेबर वेल्टियक कितना ख़तरनाक बेबलेट है। तो पहले भूषण को फिर से लॉन्च करते हैं, बर्स्ट भी हो गया था भूषण तो। तो अभी करते हैं लॉन्च। अरे यार, तो कई बार निकल जाता है वेल्टियक, इसलिए ऐसे लॉन्च करेंगे। तो कुछ और बेबलेट से फाइट करते हैं, प्रिगन लेजेंड्स प्रिगन से करते हैं। तो स्टार्ट, और वेल्टियक भी। तो देख सकते हो गाइस, लेजेंड्स प्रिगन को तो इसने कुछ समझा ही नहीं है, स्टेडियम में यहाँ से वहाँ भगा रहा है बस, और फिर सीधा उड़ा ही दिया इसके तोते उड़ा दिए। तो ये हमारा सेबर वेल्टियक, कभी हमारे पास सेबर वेल्टियक होगा तो उससे फाइट करके देखेंगे इसकी कि कौन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अभी कुछ और बेबलेट्स हैं, इनके साथ भी फाइट करेंगे। वेल्टियक V3, ये है स्लैश वेल्क्री, और ये है एम्परर फोर्नियस। तो पहले एम्परर से करते हैं क्योंकि ये स्टेमिना टाइप है, बाद में अटैक टाइप्स आ जाएंगे। तो वेल्टियक की बारी। तो वेल्टियक अपना काम करते हुए
लेकिन मेरे को नहीं लगता है एम्परर को हरा पाएगा ये, क्योंकि एम्परर बहुत अच्छा डिफेंस टाइप बैठ है। तो अभी बारी है वेल्ट्रियक की, इसको तो हरा ही देगा। तो गाइस हरा तो देता है लेकिन मौका ही नहीं मिला इसको बेचारे को हराने का। ओके तो हरा दिया, मरते मरते हरा ही दिया सेबर वेल्ट्रियक ने। चल भाई अंदर चला गया, तो चलो फिर से लॉन्च करते हैं। फ़ोन गिर गया था, बच गया, हर बार फ़ोन गिरता है मेरा। इस बार तो लॉन्चर भी गिर गया था, तो हर टक्कर के साथ वेल्ट्रियक बचता हुआ सेबर वेल्ट्रियक से, लेटेस्ट सेबर वेल्ट्रियक। तो अब स्लैश वेल्करी से करेंगे इसकी, देखते हैं कितना कमाल दिखा पाता है इसके सामने। तो यार इनका दोनों का साइज सेम है लगभग, तो इससे भी जीत गया है, तो अब क्या ही कहें, सेबर वेल्ट्रियक सबसे जीत रहा है। देख सकते हो सेबर वेल्ट्रियक कितना ख़तरनाक बेब्लेड है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो अभी करते हैं कोशिश एक और बेब्लेड से, या फिर दो तीन बेब्लेड से और, इन सब से करते हैं फाइट, पहले इससे करेंगे। तो इसकी भी तोते उड़ चुके हैं, अब बारी है चोजी वेल्क्री की, इससे देखते हैं कितना कुछ कर पाएगा चोजी वेल्क्री के सामने। तो चोजी वेल्क्री को बस तो नहीं कर पाया, लेकिन चोजी वेल्क्री को हरा जरूर दिया उसने। अभी देखते हैं किसका पलड़ा भारी है, दोनों की स्पीड लाजवाब। तो इस बार सेबर वेल्ट्रियक हारते हुए नहीं, जीतते हुए। तो गाइस सेबर वेल्ट्रियक इससे भी जीत गया, अभी बारी है अखिलीज, यार चोजी अखिलीज की। लो कर देते हैं इसको थोड़ा, तो देखते हैं क्या ये चोजी अखिलेश को बर्स्ट कर पाएगा। नहीं, चोजी अखिलेश तो जीत गया है, चोजी अखिलेश बर्स्ट हो सकता था, तो लेट्स सी हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा। ओके तो चोजी अखिलेश को तो फिर से वहीं पे फेंक दिया इसने। तो यार ये किसी बेब्लेड को कुछ नहीं समझता, सबको ऐसे फेंक फेंक के मारता है। हाँ कई बार बीच में एमसील टूट जाती है थोड़ी थोड़ी, जैसे ये ब्लैक ब्लैक, नहीं ये तो अच्छा ब्लैक ब्लैक टूटा हुआ है ये। तो गाइस कुछ और बेब्लेड ले आया हूँ, क्योंकि मज़ा आ रहा था ये सबको ही हरा रहा है ना इसलिए। तो देखते हैं अभी किसको हरा पाएगा। ये है एस कोस्मो एस ड्रैगन, ऐसा ही कुछ करके नाम है इसका, कोस्मो वेल्क्री है या पता नहीं। तो यार इस बार तो लॉन्च ही नहीं हो पाया अच्छे से, तो गाइस थोड़ा सा बच गया बस थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी बुरी तरह से फेंक के मारा था इसको। जैसे कि देख ही सकते हो कैसे बुरी तरह से फेंक फेंक के मारता है।
लेकिन वही है, अगर स्टेमिना नहीं है, पावरफुल है लेकिन स्टेमिना नहीं है। इससे करके देखते हैं। तो ये बेब्लेड कभी बर्स्ट नहीं हुआ, मैंने इसको कभी बर्स्ट नहीं देखा। तो देखते हैं कि सेबर बेल्ट्रिया इसको बर्स्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो नहीं, इसको आज भी कोई बर्स्ट नहीं कर पाया। फिर से ट्राई करते हैं। कमोन सेबर बेल्ट्रिया, कमोन। तो इसको बर्स्ट नहीं कर पाया फिर से कोई भी। एक लास्ट बेब्लेड है एक्सकैलिबर, इससे करते हैं फाइट लास्ट। और मैंने एक्सकैलिबर को भी बर्स्ट होते नहीं देखा अब तक, और एक्सकैलिबर जीत गया है मुकाबला। पता नहीं कैसे जीत गया, लेकिन जीत गया। तो गाइस ये मेरे को ना स्टेडियम चेंज ही करना पड़ेगा, बहुत हो गया इसका। कुछ टाइम में स्टेडियम चेंज हो जाएगा। तो फाइनली सेबर वेल्ट्रिया ने जिसको जो बर्स्ट नहीं होता उसको ही बर्स्ट कर दिया। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और सेबर वेल्ट्रिया कैसा लगा ये भी बताएं। बाय।